हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए जो आपके, जैसे कि आपको बताया अभी, डीडीए के फॉर्म निकले थे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसमें जो एएसओ की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके जो पेपर्स प्रीवियस ईयर्स में हुए थे, लास्ट टाइम ये 2017 में पेपर्स हुए थे, ठीक है। उन पेपर्स को हम एक्चुअल में, ये 3 डेट में पेपर हुए थे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। इसमें मैथ का जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। जो पेपर आपका 18/9/2017 को हुआ था, एएसओ का पेपर, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं आपको, देखिए एसएससी वालों के लिए तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, खासकर एसएससी सीजीएल वालों को। देखिए जो आपका अभी जो नया पैटर्न आया है एसएससी सीजीएल मेंस का, वो सेम पैटर्न है आपका ये डीडीए मेंस के, डीडीए मेंस का जो पेपर होगा सेम है, बिल्कुल डिक्टो, ठीक है। और प्री की बात करें तो प्री भी सेम है आपका, तो फिर क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा जाए। क्योंकि दोस्तों ये कंफर्म है कि आपको दिल्ली में ही जॉब मिलेगी। सबसे मेन चीज ये है, जो सीजीएल वाले दिल्ली के लिए प्रीफर करते हैं, तो ये तो आपको डेफिनेटली दिल्ली में मिलने वाली है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ठीक है। अगर देखिए इस लेक्चर पर आपका जो रेस्पॉन्स है अच्छा रहा, तो मैं आगे के जो पेपर्स हैं उनको डिस्कस करवाऊंगा, नहीं तो फिर इन पेपर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको ये मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं अभी कि हम डीडीए 2017 को जो पेपर हुआ था, डीडीए 2017 में 18/9/2017 को जो पेपर हुआ था, उसमें मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है जो एसएससी स्टूडेंट्स हैं, खासकर सीजीएल वाले, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी लेड शॉट्स ईच ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ये, 2.1 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सॉलिड रेक्टेंगुलर लेड पीस विद डायमेंशंस 84 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, यहां आपको पता है जो लेड स्फीयर है उसका वॉल्यूम, और यहां जो ये क्या है आपका, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, जिनकी ये डायमेंशंस गिवन है, इसका वॉल्यूम दोनों का बराबर हुआ, ठीक है। तो अगर मैं स्फीयर की बात करता हूं, तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3, पाई का मान मैं 22/7 रख लेता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, तो यानी कि 21/10 लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, 2.1 को, तो ये मैंने क्यूब में 3 बार कर दिया, ठीक है, बराबर ये LBH, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका वॉल्यूम हो गया क्यूबॉइड का, ठीक। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आपका 7 या 21 से, तो ये 21 कट जाएगा, 21 से कटेगा, 21 63, ठीक है। और आपका 11 दूनी 22, 11 7 77, ठीक है। और देखिए 21 चौका 84, और आपका ये 4 से ये 4 कट गया, ठीक, और 2 से कट गया 5 बार। अब आप देखिए 7 या 21, 21 पंजे 105 और 2 जीरो, तो यानी कि 10,500 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क दैट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको निकालिए लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, तो क्या होगा आपका, थीटा अपॉन में 360, में डायरेक्ट लिख रहा हूं, 60/360 इंटू में 2 पाई आर होता है, तो 2 × 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है आपकी, 7, ठीक है। इसको सॉल्व करिए कितना बन जाएगा, देखिए ये बनेगा, ये 6 बार कटेगा, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, और 2 से कटेगा 3 बार, तो 22/3 3 7 21 7 पॉइंट समथिंग वाला आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि 7.3 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए बाइज यूज्ड टेंस एट 64 रुपी 1, यानी 1 रुपए में 6 की दर से वो खरीदता है और बेचता है उन्हें एंड सेल्स देम 3/4 A रुपी, यानी 1 रुपए में 3 की दर से बेचता है। तो आप करिए क्या, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहां करेंगे 6 और ऐसे क्रॉस करेंगे, तो ये बनेगा आपका 3, ठीक
ठीक है। अब देखिए यहाँ ये होता है आपका एसपी और ये होता है आपका सीपी, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्लियरली आप देख सकते हो, 3 की खरीदी 6 की बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर प्रॉफिट हुआ 3 का, 3 का प्रॉफिट 3 पर, यानी कि प्रॉफिट जो हुआ है वो 100% गेन होगा, क्या ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है हैज टू इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बना लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक, नाम दे देते हैं, क्या बोला, ए बी सी नाम दे देते हैं, ए बी सी। और देखिए इसमें ए बी और ए सी की लेंथ है 5 5, तो ये होगी 5, ये होगी 5, ठीक है। और अदर साइड बी सी है वो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये की लेंथ है 8, ठीक। कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी, सी से ए बी पर परपेंडिकुलर। देखिए ये वाली लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, मैं इसको डी पॉइंट मान लेता हूं। अब यहां देखिए, अगर मैं इस ए पॉइंट से, इस ए पॉइंट से ए बी पॉइंट पर, देखिए ए पॉइंट से अगर मैं इस ए बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, इस बी सी पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ये मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए ये भी यहां, ये यहां परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये मिड पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है, या फिर मैं इसके मिड पॉइंट पर मिलाता हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप देखिए अगर मैं इस पॉइंट को एम मान लेता हूं, तो क्योंकि ये 8 है टोटल, तो यानी कि ये 4 4 हो जाएंगे, ये 4 और ये 4, ठीक। अब आप ध्यान से देखोगे तो मैं बात करता हूं इस वाले ट्रायंगल की, ये 5 है ये 4 है, तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये वाली लेंथ आ गई 3। अब आप देखिए ये मेरे को एच निकालनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली एच निकालनी है। तो आप देखिए दोनों का, क्योंकि भाई इस वाली ट्रायंगल की बात कर लो, ए बी सी की, जिसमें हाइट मैंने 3 निकाली है, या फिर ए सी बी, ए की बात है ए बी सी, जिसमें की हाइट ये एच है, ठीक है। तो इन दोनों का, दोनों को हाइट लेते हुए आप एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना में लंबी, यहां 8 है आधार और परपेंडिकुलर है 3 निकाला है आपने, ठीक है। और यहां इस वाली ट्रायंगल में लगाएंगे तो जब हाइट हम एच मानेंगे तो 1/2, यहां आधार कितना है, बेस कितना है 5, और हाइट कितनी है जो आपको निकालनी है एच, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना बन जाएगा भाई, 1/200, तो आपका 1/2 ही कटेगा, ठीक है, 8 के 24/5, यानी कि 4.8 आ जाएगी हाइट, कितनी, 4.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए आपको गिवन है ए प्लस 1/a = 3 आपसे, तो ये कितना बन जाएगा, 3 9 में से 2 गए तो 7, जैसा कि आपको पता है भाई ए प्लस 1/a = x है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ए स्क्वेयर प्लस में 1/a² कितना होगा, आप कहेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस में 2। तो यहां आपको कितना गिवन है, आप कहेंगे सर यहां तो हमें 3 गिवन है, ठीक है, 3, तो 3 यहाँ कितना बन जाएगा, ये हमारा 3 3 9 - में, तो आंसर होगा 7, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 2 इज 3, यानी 2 का कितना प्रतिशत, 3 है, 150%, देखते ही बन रहा है भाई। देखिए ये बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 2 2 का x% मैं निकाल लेता हूं इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहां से 2 से कटेगा ये 50 बार 50 दिया 150, तो एक्स की वैल्यू 150% आ जाएगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो बेसिक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट √2, ठीक है। देखिए क्या ये रेशनल नंबर है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं निकाला जा सकता, आप यहां देखोगे रेशनल तो ये रेशनल नहीं है, ठीक। इट इज ए नेचुरल नंबर, नहीं, इट इज ए, देखिए ये नेचुरल नंबर नहीं, ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं है, इट इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल इरेशनल नंबर है, एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन दी पी अपॉन क्यू फॉर्म, बिल्कुल इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में
एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ये अपॉन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, और पी जहां पी और क्यू इंटीजर्स हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो होता है जिसमें आयोटा आता है, तो यहाँ ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कह रहा है। ए गोज फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी वाई एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, एवरेज स्पीड आपका जब दो स्पीड दी हो आपको ये होता है टू, अगर मैं दो स्पीड को एक्स और वाई मानता हूं, मान लेते हैं इसको एक्स मानता हूं इसको वाई मानता हूं, तो ये बनेगा आपका 2xy अपॉन में एक्स प्लस में वाई, ठीक, तो ये बनेगा 2 × 40 × 80 / 80 और 40 120, ठीक, कितना बन जाएगा देखिए, काटेंगे इसको तो 40 * 120, तो 80 × 160/3 कितना बन रहा है, 160/3, तो 3 × 5 = 15, यहाँ 5, देखिए 3 × 5 = 15 और बचा 1 × 3 = 9, तो लगभग में 53 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। रानी गेट्स 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड लूजेस 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन ए टेस्ट कंटेनिंग 40 क्वेश्चंस, ठीक है। इफ सी स्कोर्स 80 मार्क्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व इनकरेक्टली बाई हर। देखिए इसको हम ऑप्शन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मान लेता हूं मैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने गलत किए वो थे 10, ठीक है, 10, ठीक, तो भाई टोटल क्वेश्चन है 40, जिसमें से गलत अटेम्प्ट किए हैं वो है कितने आपके 10, ठीक है, तो जो करेक्ट क्वेश्चन बचे होंगे वो बचे होंगे 3, और प्रत्येक करेक्ट आंसर के जो नंबर है वो है 3, ठीक है, ये 30 बचे होंगे, प्रत्येक करेक्ट आंसर के 3 नंबर है, तो टोटल जो नंबर है वो है 90, जिसमें से 10 गलत हो गए, तो उसमें एक्चुअल का जो उसका स्कोर आना चाहिए वो आना चाहिए 80, जो कि यहाँ डेफिनेटली 80 गिवन है आपको, तो आपका जो आपने ऑप्शन चूज किया वो बिल्कुल सही है, या फिर ये तो आपका ऑप्शन से हो गया, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो भाई उसने जो उसका जो टोटल स्कोर आया वो आया 80, ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल। अगर मैं करेक्ट की बात करता हूं तो 40 क्वेश्चंस मैं अगर सारे करेक्ट मानता तो ये बनता आपका 40 * 120, ठीक है, और मैं सारे गलत मानता हूं तो प्रत्येक के लिए एक नंबर माइनस हो रहा है, तो ये होगा माइनस का 40, ठीक है। अब आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए कितना बनेगा, 120 में से 40 जाएगा तो बनेगा आपका 40, ठीक, और यहां 80 में से 40 जाएगा तो ये बचेगा आपका 120, क्योंकि ये माइनस का जुट जाएगा, तो ये रेशियो में आ गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ नंबर यानी कि संख्या आ गई है, तो ये बन गया आपका 40 * 120, तो यानी कि 3:1, टोटल कितना हो गया 4, और 4 की वैल्यू टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, कहेंगे सर 40 गिवन है, 4 की वैल्यू 40 है, आपको रॉन्ग क्वेश्चंस की वैल्यू निकालनी यानी 1 की वैल्यू, तो हो जाएगा आपका 10, ये आपका आंसर गिवन है ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ए वेसल कैन बी फिल्ड बाय ए टैप ए इन 8 मिनट्स एंड अनदर टैप बी इन 10 मिनट्स, ए थर्ड ये क्या है टैप, ये क्या टैप ही आएगा वैसे, ए थर्ड टैप सी कैन एम्प्टी द वेसल इन 4 मिनट्स। देखिए भैया तीन वेसल हैं ए बी और सी खाली करने वाला है, मैं इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये ले रहा है कितना 8 मिनट, बी ले रहा है 10 मिनट और सी 4 मिनट, ठीक। अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर एफिशिएंसी पहले इनका टोटल वर्क मानिए, टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम कितना बन जाएगा, ये 40, ठीक है, तो एक ही बनेगी 8 × 5 = 40, 5, 10 × 4 = 40, 4 और 4 × 2 = 40, ये माइनस का 10, ठीक ठीक है। क्या कह रहा है, इफ ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली व्हेन द वेसल इज हाफ फुल, हाफ फुल का मतलब क्या है, उसमें अगर 40 टोटल आता था तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, अब कहेंगे 20, तो यानी 20 ही पानी है उसमें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए अब इसके ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, कह रहा थी वेसल विल बी फील्ड इन 20 मिनट्स। अब देखिए तीनों को अगर मैं खोलता हूं, यही बोला है ना, इफ ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो तीनों को खोलता हूं तो यहाँ 5 और 4 = 9 = 10 में से गया, तो माइनस की 1 एफिशिएंसी आती है, तो फील्ड तो होगा नहीं, ये डेफिनेटली है कि खाली होगा,
यहाँ क्या है फील्ड, यहाँ क्या है फील्ड, यहाँ क्या है एम्प्टी। तो ये दो ऑप्शन तो आपके फील्ड वाले तो कट गए, ठीक है। अब एम्प्टी देखिए 40 मिनट्स में, क्योंकि इसने हाफ बोला है, हाफ फुल है, तो 20 और 1 की एफिशिएंसी से तो आएगा आपका कितना 20 20 मिनट में। तो ये 40 वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर बचा, 20 मिनट में खाली हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए एंड बी वर्किंग टूगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो देखिए भाई, ए और बी जब एक साथ काम करते हैं तो किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। इफ ए वर्किंग अलोन कैन फिनिश इट इन 6 डेज, अगर ए की बात करें, ए अकेला इस काम को कर सकता है कितने दिनों में, 6 डेज में। तो कह रहा बी कितना समय लेगा इस सेम काम को करने के लिए। तो मैंने मान लिया टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 12 है, ठीक। बात करते हैं इनकी एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी बन जाएगी इनकी भाई 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। अब देखिए टोटल एफिशिएंसी 3 है, जिसमें से ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी बची, 1। तो मैं कह सकता हूं कि बी की एफिशिएंसी 1 है, और ये टोटल काम 12 है, और 12 काम को इस एक की एफिशिएंसी से बी के द्वारा कितने दिनों में हो जाए कर देगा, ये 12 दिनों में। यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी। क्या दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, आर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन एस। तो देखिए भाई, ये आर है और ये एस है, ठीक है। कह रहा आर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सन एस, तो अगर इसकी एज 1 है रेशियो में, तो इसकी एज है 2, यानी कि ये डबल है। 16 ईयर्स एगो, 60 साल, वो 16 साल पहले, 16 ईयर्स एगो ही वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज एस सन देन। तो 16 साल पहले ये 3 टाइम्स था, तो यानी कि 1:3, ठीक है। अब देखिए यहां से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो क्या, कि भाई चाहे 16 साल पहले की बात हो, चाहे 50 साल पहले की बात हो, चाहे 20 साल बाद की बात हो, चाहे 35 साल बाद की बात हो, उनके बीच में जो एज डिफरेंस है वो सेम होगा, ठीक है। यहाँ एज डिफरेंस कितने का है, 1 का, और यहाँ एज डिफरेंस कितने का है, 2 का। ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हम एज डिफरेंस बराबर करने के लिए इसको भी 2 से गुना कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 4, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 2, ठीक है। अभी भी तो ये 2:1 है, ये इसका डबल है, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए यहां देखेंगे आप 1 से 2 हो गया, या फिर यहां देखेंगे 3 से 4 हो गया, ठीक है। ढंग से देखिए, यहां 1 से 2 हो गया, ठीक। हमारे हिसाब से +1 का एडिशन है, बट सवाल के हिसाब से कह रहा है 16, तो 1 की वैल्यू 16 है। तो एक्चुअल में प्रेजेंट में उनकी जो एजेज हैं वो 16 चौका 64, ठीक है, और 16 दूनी 32, ये है उनकी एजेज प्रेजेंट में, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ 24 ईयर्स एगो, भाई यहां से 24 साल पहले देखेंगे आप, यहां से 24 साल पहले, तो ये 64 का है फिलहाल, 24 साल पहले कितने का रहा होगा, आप कहेंगे ये क्या है, आर वाज 5 टाइम्स ओल्ड एज हिज ग्रैंड डॉटर टी इज नाउ। देखिए ये कौन है आर और ये कौन है टी, ठीक है, 5 टाइम्स, तो ये कितना रहा होगा, 40 का। भाई 24 साल पहले ये 40 का रहा होगा आर, और टी रहा होगा ये 5 टाइम्स था इसका, तो इसका मतलब ये रहा होगा 8, ठीक है दोस्तों। ये रेशियो की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल एजेज हैं, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी टाइम्स ओल्डर देन टी इज एस। देखिए एस कहां हमारा, ये रहा यानी 32, और ये क्या है आपका 8, तो ये 32 8 का कितने गुना है, आप कहेंगे 4 टाइम्स, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर होगा दोस्तों। यहां से आप देखिए ये 32 कितना है, 4 टाइम्स, ठीक है, यही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी आंसर होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए एंड बी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद ₹10 लाख ईच। तो भाई ए और बी है, ठीक है, दोनों 10 लाख 10 लाख, तो यानी कि ये भी 10 लाख और ये भी 10 लाख, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स ए विदड्रॉज हाफ ऑफ इज कैपिटल, तो यानी कि 3 महीने तक तो ये ही रहा है, ठीक है, उसके बाद इसने आधा निकाल लिया, तो कितना बचा, आप कहेंगे सर उसके बाद भाई 10 में से आधा निकाल लिया, तो इसका मतलब 5 बचा, ठीक।
हाफ ऑफ हिज कैपिटल, विदड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल देन आफ्टर एनदर 6 मंथ्स। तो यानी कि ये जो हाफ रहा ये अगले 6 महीने के लिए रहा, ठीक है। 3 महीने ये हो गया, 1 साल में से 6 महीने ये हो गया, बाकी के 3 महीने बचे। मंथ से पुट्स इट बैक, तो दोबारा से डाल दिया अगले 3 महीने के लिए। दोबारा से इसने क्या कर दिया, दोबारा से ये 5 और 5 10 कर दिया अगले 3 महीने के लिए, ठीक है। तो इनको आप ऐड कर लीजिए। और ये जो रहा है ये 10, ये पूरे 12 महीने के लिए रहा, यहाँ कोई छिड़कानी नहीं किया। देख लीजिए द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 14 लाख, ठीक है। तो यानी कि इसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो कितना बन गया ये टोटल भाई, 10 तिया 30, 5 छिंग 30 और 10 तिया 30, तो 30 30 30 यानी कि 90 रेशियो ये बन गया आपका 12 दाम के 120, तो यानी कि 120, ठीक। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं कितना बना। आप कहेंगे 30 तिया 90 और 30 चौका 120, टोटल कितना हो गया, आप कहेंगे सर 60, ठीक है। प्रॉफिट भाई टोटल प्रॉफिट हो गया है, तो यानी कि प्रॉफिट की बात करें तो हमारे हिसाब से 7 है, बट सवाल के हिसाब से कितना है 14 लाख। तो 7 की वैल्यू 14 है, तो 1 की वैल्यू ये कितना गुना है, या फिर ऐसे कर लीजिए ये कितना गुना है, 2 गुना। पूछा किसका है, ये पूछ रहा है हाउ मच शुड ए गेट, यानी कि 3 की वैल्यू पूछिए आपसे। तो 3 का कितना, 2 गुना, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 लाख, क्योंकि ये लाख में ही हम सारी कहानी लाख में लेके चल रहे, तो आंसर भी लाख में होगा, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड फाइन दार्जिलिंग टी कॉस्टिंग रुपए 2500 पर केजी बी मिक्सड विद कोर्स टी। तो ये है एक दार्जिलिंग टी और एक है कोर्स टी, ठीक है। जो दार्जिलिंग टी है उसकी कॉस्ट है 2500 रुपये पर केजी और जो कोर्स टी है उसकी है 500 रुपये पर केजी, ठीक है। सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर इज 1000 रुपये पर केजी, ठीक है। तो यानी कि ये 1000 ओवरऑल, तो यहाँ आप एलिगेशन लगा दीजिए भाई 2500 में से 1000 जाएगा तो ये बनेगा आपका 1500 और 1000 में से 500 जाएगा तो ये बचेगा आपका 500। रेशियो में देखेंगे तो ये इसका 3 गुना है, तो यानी कि 1:3 आपका आंसर होगा, यही पूछा था, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, यहां देखेंगे आप तो ये किस फॉर्म में है, देखिए ax² - bx प्लस में -bx - c = 0, ये इस फॉर्म में है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो ये आपका 5 तिया 15 माइनस का 15 आना चाहिए गुना करने पर, और सम करने पर माइनस का 4 आना चाहिए, ठीक। तो आप देखोगे यहां आपका ये कंप्लीटली ऐसी वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो आप करते क्या है भाई, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, श्री धनोचार्य फॉर्मूला। तो ये बनेगा आपका, देखिए यहां माइनस बी यानी कि माइनस पहले से ही है, तो ये बनेगा आपका 4 प्लस माइनस अंडर रूट में b² 16 माइनस में 4 * a 3 * c - 5, तो ये माइनस माइनस यहां से प्लस हो जाएगा, 5 * 15 = 60 और 16 = 76, तो अंडर रूट में 76 यानी कि 4 गुना में 19 लिख सकते हैं, तो बाहर निकालेंगे 4 में से अंडर रूट से, तो 2√19 अपॉन में 2a, तो यानी कि a कितनी है 3, तो 3 × 2 = 6, ठीक है। अब देखिए यहां बनेगा ये 2√19, मैं लिख ही देता हूं, चलिए ये बनेगा 4 प्लस माइनस 2√19 अपॉन में 2a, तो यानी ये आपका 6 ही है, ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो भाई, 2 से काट लीजिए तो आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 19 अपॉन में 3। अब देखिए आप यहां से थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ये आपके 2 रूट्स आए हैं, ठीक है। अब ये इक्वल तो है नहीं भाई, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या ये रियल है, नहीं रियल तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि रूट 19 आ रहा है। हाँ रियल रियल तो है, क्योंकि भाई जो रियल के ही पार्ट होते हैं आपके रेशनल और इरेशनल, ठीक है, ये जो दो पार्ट होते हैं रियल के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। वन रियल एंड वन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स तो यहाँ आयोटा वाला कोई है नहीं, पहला ऑप्शन कट गया, दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है, बिल्कुल नहीं है।
दोनों रियल रूट्स है विच आर इक्वल। इक्वल तो है नहीं ये, क्योंकि ये प्लस माइनस के हैं, तो ये भी कट गया। हाँ दोनों रियल है और दोनों अनइक्वल है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन सेव्स 40% ऑफ हिज इनकम इन ईयर वन। अगर मैं बात करता हूं पहली ईयर की, तो वो 40% अगर उसकी इनकम 100 थी तो उसने सेविंग करी 40 की, तो उसका खर्चा कितना रहा होगा, एक्सपेंडिचर आप कहेंगे सर 60 रहा होगा। ठीक है कहेंगे बिल्कुल। फिर कह रहा है इन ईयर टू, तो यानी कि सेकंड ईयर में उसने क्या किया है, उसकी इंक्रीमेंट हो गई उसमें इनकम में, तो कितना होगा 30% का इंक्रीमेंट, तो यानी कि 100 का 30% 30 बढ़ गया, यानी कि 130 हो गया। यहां से इंक्रीमेंट में 30% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है एंड मैनेजेस टू सेव 30%। अब उसकी सेविंग कितनी, इसका 30% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 13 39, यानी कि 39 का सेविंग हो गई। तो अब उसकी जो एक्सपेंडिचर हो गया वो कितना हो गया, आप कहेंगे 91 रह गया एक्सपेंडिचर। ठीक है आप कहेंगे बिल्कुल। आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है सारे में। ठीक है देखिए, हिज एक्सपेंस गो अप बाई 52%, यहां से 60 से उसका एक्सपेंस कितना हो गया 91, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, आप कहेंगे 31 का। तो 31 का इंक्रीमेंट कितने पर, 60 पर, तो 100 पर कितना परसेंटेज में। ठीक है तो इसको आप सॉल्व करिए कितना बनेगा, 10 से 10 तो आपका बन गया 6 5 30, बचा 1, 6 1 6 या 6 2 12, तो लगभग में आपका 52% आ रहा है। ठीक है तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है बाकी देखिए सब दूर दूर है, 10 है 31 है, सेम तो रहेगा ही नहीं, ये तो वैसे ही कट गया, तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। दी प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी ग्रू फ्रॉम 5 करोड़ टू 15 करोड़ इन 5 ईयर्स, व्हाट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द प्रॉफिट। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं कहता हूं अगर उसका प्रिंसिपल 5 रहा होगा तो अमाउंट कितनी हो गई 5 साल में, वो कहेंगे आप कहेंगे 15। ठीक है तो यानी कि अगर मैं रेशियो में देखता हूं तो 1:3 हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ओवर द 5 ईयर्स। ठीक है दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे भाई प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट हो गई 3, तो यहाँ से सीआई कितना मिला, क्योंकि यहाँ कंपाउंडेड बात हो रही है तो सीआई की बात हो रही है, वो मिला आपको 2। ठीक है दोस्तों अब देखिए आपको पता है, अब यहां से आप देखोगे तो भाई ये बनता है आपका भाई सीआई 2 बराबर आपका प्रिंसिपल, यानी कि 1 है इंटू में 1 प्लस में R/100। ठीक है और इसकी पावर 5। ठीक है दोस्तों अब आप ध्यान से देखिए भाई, आप यहां 40 लोगे तो ये इससे 2.5 गुना कटेगा। ठीक है 2.5 गुना, तो क्या यहां से आप पी और घटाएंगे तो यहां से -1 और होगा। ठीक है तो यहां क्या ये इसको 40 रख के भाई देखिए आप, मैं करके बता देता हूं, 40/100। ठीक है तो 20 दूनी 40, 20 5 100, 2/5, इसकी पावर 5 करेंगे आप। ठीक है तो ये नीचे वाला तो कम ही हो जाएगा, ये उसमें से एक वैसे ही कम आ रहा है, फिर उसमें से एक भी घटाएंगे तो ये 2 के बराबर तो आ ही नहीं पाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब अगर अगर आप ऑप्शन 25 लेते हो तो देखिए, अब मैं करके बताता हूं आपको, 2 बराबर यहां देखोगे आप 25 लोगे तो 1/25 चौका 100, 1/4, तो ये 5/4 हो जाएगा। ठीक है और इसकी पावर होगी 5। ठीक है और माइनस में 1, इसको आप सॉल्व करोगे ना, 5 की पावर 5, 3125, और ये बनेगा 3125, और ये बनेगा आपका 4 की पावर 5, 1024। ठीक है इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 3 अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा। ठीक है और इसमें से एक घटाएंगे, 3.05 के आसपास आएगा ये, आप सॉल्व करके देखिएगा तो ये 2 के बराबर बिल्कुल आ जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये तो आपके बहुत ही ज्यादा वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है तो ये 2 तो वैसे ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन नंबर्स। मोड क्या होता है, जो जो इस जो ये डाटा गिवन है आपको, इसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा हो तो आप देखेंगे 4 तो सिंगल बार है, 5 सिंगल बार है, सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा है 4 × 7, बाकी 8 भी 3 बार है, 9 1 बार है और 10 भी 3 बार है, तो आपका आंसर होगा 7, ऑप्शन डी। ठीक है बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, ठीक है, ट्री ब्रोक एट ए पॉइंट
5 मीटर अबव दी ग्राउंड इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच इज द ग्राउंड 12 मीटर अवे फ्रॉम वेयर ही इट इज ऑरिजिनली स्टूड। देखिए मैं आपको समझा देता हूं ये कहना क्या चाह रहा है। ये कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है देखिए कोई पेड़ था ऐसे पूरा ठीक है वो यहां से टूट के कुछ इस तरीके से टूट गया ठीक है। देखिए ड्यूरिंग स्टॉर्म में ट्री ब्रोक एट ए पॉइंट 5 मीटर अबव द ग्राउंड तो यानी कि यहां से ये 5 मीटर की हाइट से टूटा है ठीक है। एंड इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच इज द ग्राउंड 12 मीटर अवे फ्रॉम स्टूड जहां ये खड़ा है यहां से 12 मीटर की दूरी पर ये टच करता है ठीक है। तो आपको आप यहां से क्लियरली देख सकते हो 5, 12, 13 ये 3 ट्रिपलेट बन गए आपके ठीक है। कह रहा है व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री ब्रोक इट ओरिजिनली तो देखिए दोस्तों भाई ये जो टूटा है यहां से तो ये जो टूटा है ये यहां से ऐसे सीधा खड़ा रहा होगा तो ये ऐसे ही तो टूटा है यहां से ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये इसकी एक्चुअल टोटल हाइट हो जाएगी यहां से तो ये वाली जो हाइट होगी ये 13 होगी तो एक्चुअल में जो इसकी हाइट थी वो थी 18 मीटर ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है इफ ए सम ऑफ मनी डबल्स इन 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट तो देखिए भाई मान लेते हैं कोई धन 100 से 200 हो जाता है ठीक है। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट है तो इसका मतलब देखिए आप यहां से आपको ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है तो यहां से एसआई कितना मिला आपको आप कहेंगे 100 और ये 100 कितने में 5 साल में 5 साल में अगर 100 इंटरेस्ट है तो 1 साल में कितना रहा होगा आप कहेंगे 20 5 100 20 ठीक है। तो कह रहा है देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई इस प्रिंसिपल पर 20 का प्रॉफिट मिला है 1 साल में ठीक है या फिर 20 का ब्याज मिला है 1 साल में तो मेरा जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा वो भी 20% ही तो होगा भाई 100 पर 20 मिला है तो 20% से तो ऑप्शन डी आंसर होगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस तो ये क्या है एक जीपी सीरीज है दोस्तों आप देखते ही बनता है भाई एक को 1/3 से भाग देंगे ये 1/3 को 1/1 से भाग देंगे तो 1/3 1/9 को 1/3 से भाग देंगे तो 1/3 तो यानी कि यहां से जो आपके कॉमन रेशियो आएगा वो आएगा कितना 1/3 और जो फर्स्ट टर्म है ए वो है 1 तो पूछ रहा है व्हाट इज द सम तो यानी कि ये इनफाइनाइट तक है इनफाइनाइट तक उसका सम होता है तो वो होता है आपका ए अपॉन में 1 माइनस में r ठीक है दोस्तों। तो ए कितना आपका 1 अपॉन में 1 माइनस 1/3 तो आपका बनेगा 1 अपॉन में ये बनेगा आपका 2/3 तो 3/2 बन जाएगा ये आंसर होगा आपका 3/2 ऑप्शन बी ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था इजी था। आगे बढ़ते हैं ए मैन सोल्ड 2 बुक्स ₹4,600 ईच प्रत्येक को ₹600 में बेचा है उसने ही लॉस्ट 20% ऑन द फर्स्ट बुक एंड गेन्ड 50% ऑन द सेकेंड बुक विच ऑफ द स्टेटमेंट देखिए भाई पहली बुक है उस पर उसको 20% का लॉस हुआ है तो 20% मतलब 1/5 यानी ₹5 की चीज उसने 4 में बेची होगी और दूसरी की बात करते हैं तो उस पर गेन हुआ है कितने का 50% का तो यानी कि दूसरी की बात करते हैं तो ₹2 की चीज उसने 3 में बेची होगी ठीक है। ये है बट ये क्या है दोस्तों ये मैंने सीपी और एसपी का रेशियो ले लिया इसने बोला है प्रत्येक को 600 में बेचा है इसका मतलब क्या है कि क्योंकि आंसर देखिए आपका परसेंटेज में तो रियल डाटा लेने की जरूरत नहीं है आपको कि आप रेशियो में खेल सकते हो तो दोनों में यहाँ एसपी सेम गिवन है इसने तो यहां से आप इनको इसको 3 से गुना करिए इसको 4 से गुना करिए और एसपी बराबर कर लीजिए तो यहां जो आपका नया सीपी और एसपी का रेशियो बनेगा वो बनेगा दोस्तों आपका 3 5 15 3 6 12 है ठीक है और यहां से 4 2 8 4 3 12 है ठीक। पूछ रहा है ओवरऑल देखिए यहां देखिए ओवरऑल ओवरऑल है तो यानी कि टोटल पूछ रहा है तो ये 15 और 8 23 टोटल सीपी बन गया 12 और 12 24 टोटल एसपी बन गया तो प्रॉफिट कितने का हुआ है गेन तो होगा 1 का तो 1 का प्रॉफिट कितने पर 23 पर तो 100 पर कितना तो 23 चौका 92 4 पॉइंट समथिंग तो देखिए ये बनेगा आपका 23 चौका 92 बचे कितने 8 23 थी 69 तो 4.3 देखिए आपका ये रहा
ऑप्शन ए आंसर होगा, 4.35%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए वॉलीबॉल टीम हैज सिक्स पीपल, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन टीम्स बी मेड फ्रॉम ए क्लास ऑफ 12 पीपल। तो ये क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो ये बनेगा आपका कॉम्बिनेशन का 12C6। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 है माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू में 6 फैक्टोरियल, ये बनेगा। ठीक है, तो आपका बनेगा, देखिए 12 है तो आप क्या लिख सकते हो, 12 है, इधर लिखता हूँ 12 है गुना में 11 है गुना में 10 गुना में 9 गुना में 8 गुना में 7 अपॉन में, ये एक 6 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल से, तो एक 6 फैक्टोरियल बचेगा, ये बनेगा आपका 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। ठीक है, आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बनेगा आपका 6 दूनी 12, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक, 3 3 9, 2 चौक 8, तो कितना बना, देखिए 4 7 28, 28 3 84, 84 गुना में 11 कितना बनेगा, देखिए ये बन जाएगा आपका 11 चौक 44, 4 11 88 और 4 92, 924 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो ट्रेन्स हैं, 150 मीटर लंबी है एक और दूसरी 200 मीटर लंबी है, जो कि ट्रेवल कर रही है कितने की स्पीड पर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर पहली और दूसरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ आप देखोगे 18 54 5 15, तो ये तो बनेगा आपका 15 मीटर पर सेकंड, और ये बनेगी आपके 18 चौक 72 4 5 20, ये बनेगी 20 मीटर पर सेकंड, इतना आप दिमाग में कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब देखिए रेस्पेक्टिव टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ जा रही है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, जो टोटल डिस्टेंस बनेगी वो ऐड हो जाएगी, 200 150 350 मीटर। ठीक है, और यहां देखोगे आप तो भाई जो स्पीड है वो भी ऐड हो जाएगी, 20 और 15 35, जो स्पीड है वो बनेगी आपकी 35 मीटर पर सेकंड, ये रिलेटिव स्पीड है दोस्तों। ठीक है, ऑन पैरेलल ट्रैक्स हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू पास ईच अदर, तो ये आपको टाइम निकालना है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है आपकी 350 मीटर और चाल कितनी है आपकी 35 मीटर पर सेकंड, तो 35 धाम के यानी कि 10 सेकंड आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, देखिए द कॉमन डिफरेंस, अगर मैं फर्स्ट टर्म को ए मानता हूं तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बनेगा आपका इसका 3 टाइम्स यानी कि 3A, ठीक, 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म। इफ द फिफ्थ टर्म इज 26, फिफ्थ टर्म क्या है, ए प्लस में 5D, वो फिफ्थ टर्म है, तो यानी कि देखिए आपको 9th निकालनी है तो ए प्लस 8D बनेगा, फिफ्थ निकालनी है तो ए प्लस में 4D, तो ए प्लस में 4D आपको गिवन है कितनी 26। देखिए आप ध्यान से देखोगे इसको, मैं थोड़ी देर में आता हूं इस पर, आप मुझे एक चीज बताइए, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा व्हाट इज द 10th टर्म, 10th टर्म मतलब कि ए प्लस में 9D। ठीक है, अब आप देखिए भाई डी की वैल्यू आप 3A रखिए, तो ये बनेगा आपका 9 27A और प्लस में ए आपका बनेगा 28A, तो ए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो आंसर जो होगा वो 28 का मल्टीपल होगा, आप देखेंगे इसमें एक ही ऑप्शन है 28 का मल्टीपल, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं, तो ये कितना बनेगा, आप यहाँ ए की डी की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 3 चौक 12 है ए और ए, तो ये बनेगा आपका 13 है ए, ठीक है, बराबर 26, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके, आप कहेंगे 2, अगर ए की वैल्यू 2 आ चुकी है तो दोस्तों मुझे बताइए आपको निकालनी है ये 27 ये 28 ए, ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 तो 28 गुना में 2 आंसर होगा आपका 56 56, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से ये वाला जो सॉल्यूशन है
पेपर का वो मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी, एक आइडिया होगा हुआ होगा कि किस तरीके के पेपर्स आते हैं डीडीए में। आप अच्छे से मेहनत कीजिए इस एग्जाम के लिए और इसको क्रैक कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। इस लेक्चर की पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, और हाँ इस पर अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।